सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सचिन डेली टेक। गाइस, आज की वीडियो में हम इन नीचे वाले बटन्स को ऑफ करके साइड बैक और साइड मेनू वाले बटन को ऑन करने वाले हैं। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप सभी देख रहे होंगे कि अभी मेरे फ़ोन में सभी बटन तीनों बटन नीचे शो कर रहे हैं, बट आपने कुछ लोगों के फ़ोन में साइड से देखे होंगे जो कि काफ़ी कूल लगते हैं, तो हम भी अपने फ़ोन में वैसे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। देन इसे ओपन करने के बाद हमें थोड़ा नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। गाइस, नीचे की साइड स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस सेटिंग। तो गाइस, आपको यहाँ से उसे ढूंढ लेना है। देन हमें इस पर क्लिक कर देना है। गाइस, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। गाइस, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन दिखेगा फुल स्क्रीन, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। गाइस, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में साइड वाले बटन की सेटिंग ऑन हो जाएगी। आपके फ़ोन में सारे बटन साइड से वर्क करेंगे। तो गाइस, इतना करने के बाद आपको थोड़ा नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। तो गाइस, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि बैक बटन कौन सा है और होम स्क्रीन पर जाने के लिए आपको क्या करना है। आप यहां से सारे शॉर्टकट बटन चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब चेक करते हैं कि हमारा हुआ है या फिर नहीं। तो गाइस, आप देख रहे होंगे कि हमारे नीचे से सारे बटन ऑफ हो गए हैं। तो फिर से हम सेटिंग को ओपन कर लेते हैं और यहां से बैक होके देखते हैं कि हमारा साइड से बैक हो रहा है या फिर नहीं। तो गाइस, हम यहां से बैक करके देखते हैं। तो गाइस, आप देख रहे होंगे कि मेरा यहां से बैक हो गया है। नीचे से स्वाइप करके देखते हैं। तो गाइस, आप देख रहे होंगे कि यहां से मेरा स्वाइप भी हो रहा है। तो गाइस, आप देख रहे होंगे कि स्वाइप वाला बटन भी मेरे फोन में वर्क कर रहा है। तो गाइस, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में सारे के सारे बटन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वाली सेटिंग पसंद नहीं आती और आप फिर से अपनी पुरानी सेटिंग को लाना चाहते हैं, अपने फ़ोन में बटन्स को दोबारा लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें। तो गाइस, सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में फिर से सेटिंग ऐप को ओपन करना है। देन इसे ओपन करने के बाद आपको फिर से वहीं एडवांस सेटिंग पर जाना है। तो थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, देन यहाँ से एडवांस सेटिंग, देन यहाँ से फिर से फुल स्क्रीन पर जाना है। देन यहाँ से फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेना है। गाइस, आप जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके फोन में बटन्स द्वारा आ जाएंगे। तो गाइस, आप देख रहे होंगे कि मेरे फोन में बटन शो कर रहे हैं और यहाँ से बैक भी कर रहा हूँ तो बैक भी हो रहा है। तो गाइस, आप इस तरीके से अपने फोन में सारी सेटिंग इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।